हमारे साथ है श्याम ठाकुर जी जो कि महामंत्री हैं उत्तर रेलवे कर्मचारी महासंघ के। आइए इनसे बात करते हैं। सर बताएंगे क्या मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि कर्मचारियों की जो ग्रीवेंसेज हैं, देखिए रेल बहुत बड़ी यूनिट है, समस्याओं को प्रशासन तक सही ढंग से पहुंचाने के लिए सही प्रकार की यूनियन, सही प्रकार के कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं उनकी हमेशा संगठनों को ज़रूरत रहती है। उसी की नियमित यहाँ पर हमारा कोई लगभग 15-20 दिन पहले एक प्रवास हुआ था, जनसंपर्क अभियान हुआ था, जिसमें यहाँ के बहुत सारे कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ की जो यूनियन है उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन, उससे जुड़ने के लिए कहा कि हम लोग उस संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं और जो विभिन्न प्रकार की हमारी स्टेशन की समस्याएं और हमारे सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ी जो समस्याएं उनके समाधान हेतु हम लोग यूनियन के साथ शामिल होना चाहते हैं ताकि सही ढंग से हम उसको प्रशासन के पास रखें। तो आपकी प्रमुख मांगें क्या रहेंगी रेल मंत्रालय से? रेल मंत्रालय का तो देखिए फेडरेशन स्तर का कार्य वो होता है, मगर कुल मिला के हम जो यहाँ पर जो चीज़ों को फेस कर रहे हैं, देखिए कमर्शियल विभाग के अंदर हम लोगों ने महसूस करा है और देखा गया है कि बिजनेस डिपार्टमेंट के लोग जो सेम कैटेगरी के लोग होते हैं, सेम कैडर के लोग होते हैं, कमर्शियल विभाग के लोगों को तंग करते हैं। उनके खिलाफ एक आंदोलन नहीं, उनको एक सचेत करना कि भाई आप अपनी लिमिटेशन में काम करिए। और अनेकों प्रकार के टेक्नीशियन हैं यहाँ पर, टेक्नीशियन को जैसे उनका हार्ड वर्किंग है उनको रिस्क अलाउंस नहीं मिलना, ठीक है, ऐसा विषय एक यहाँ पर बहुत बड़ा कमर्शियल स्टाफ का एक रीस्ट्रक्चरिंग का मसला रुका हुआ है। और कुछ अभी यहाँ तक की जानकारी नहीं, क्योंकि आप मंच पे बात हो रही है तो मैं उसको आपके सामने शेयर करता हूँ कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी ऐसा ऐसा काम इस समय कर रहे हैं कि कमर्शियल विभाग की छोटी सी गलती के ऊपर रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर रहे हैं। ये विषय अभी यहाँ थोड़ी देर अगर समय मिलेगा तो हम लोग रखेंगे। और अनेकों प्रकार के संबंध NPS का विषय हो गया, ये सब विषय के ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है। मजदूर संघ और कर्मचारी संघ जो रेलवे कर्मचारी संघ है, आप दोनों मिल करके, ये दोनों संघ मिलके आगे क्या कोई आंदोलन करने का भी आप लोगों का है? आंदोलन बिल्कुल, 11 जुलाई को हम लोग एक धोखा दिवस के रूप में कार्यक्रम करेंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम है वो, प्रत्येक मंडल में रहेगा, दिल्ली में DRM ऑफिस के गेट पर होगा। क्या प्रमुख मांगे रहेंगे उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर व्यवस्थाएं, देश का सिस्टम बदला, रेलवे के अंदर लगभग इससे पुराना सिस्टम और ऐसी विचारधाराएं काम कर रही हैं, अगर आपने देखा होगा तो अभी चुनावों में भी प्रत्यक्ष पश्चिम बंगाल और केरल में उसके उदाहरण नज़र आए होंगे कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही संगठन, ऐसी विचारधाराएं पश्चिम बंगाल केरल के सिवा अगर इस देश में दुनिया में कहीं बची हुई हैं तो वो भारतीय रेलवे, और उसके कारण कर्मचारियों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो जो 11 जुलाई को हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उन लोगों का चेहरा कर्मचारियों के समक्ष लाना, प्रशासन के समक्ष लाना, प्रशासन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन लोगों का समर्थन करते हैं, उनको भी सामने लाना और एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना कि एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ा विचार खड़ा हो गया है जो आप सब लोगों का विरोध करने वाला है। और नो डाउट ये विषय रेल मंत्री तक, जो भी उस समय नए रेल मंत्री आएंगे उनके तक ये विषय बहुत बड़े स्तर पर जाने वाला है। मांगे NPS हैं और जो रेलवे की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, आने वाले चुनाव हैं जो उसमें गड़बड़ होती रही है, कर्मचारियों के रीस्ट्रक्चरिंग के विषय रहे, जो हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा बढ़ता जा रहा है वो विषय हुआ, प्राइवेट रेल कर्मचारियों से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करवाया जा रहा है ऐसा विषय है, कमर्शियल विभाग को प्रताड़ित करना, उसकी जो अभी आनंद विहार के अंदर ही, अब आप नीचे अगर बुकिंग ऑफिस में यहाँ जाएंगे तो प्राइवेट लोगों को यहाँ बिठा दिया गया जो बड़ी जल्दी अंदर आने वाले। तो और हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हम एक छोटे से आउटसाइडर, एक एजेंसी के साथ हम कंपीट नहीं कर पा रहे हैं।
अपने कार्यकर्ताओं को, कर्मचारी को, प्रशासन को ये बताना कि कहाँ पर हमारी चूक हो रही है भैया, आप क्या नीति बना रहे हैं। कर्मचारी तो आता है अपना 8 घंटे नौकरी करता है, जब बुकिंग में या टेक्नीशियन कोई भी आता है अपनी पूरी ड्यूटी करके जाता है, मगर उसके बाद हम आउटपुट क्यों नहीं ले पा रहे। आज हमारा यहाँ का पार्सल विभाग सारा प्राइवेटाइज चला गया, क्या यहाँ का कर्मचारी 8 घंटे आके नौकरी नहीं करता, वो पूरी नौकरी कर रहा है। मगर ऐसी नीतियाँ, वही विचारधारा चंद लोगों के साथ जो यहाँ मान्यता प्राप्त फेडरेशंस हैं उनके साथ मिलकर ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं कि इस रेल को बर्बाद कर दिया जा रहा है। और मैं बिल्कुल मंत्रालय बोर्ड में जाता रहा हूँ और मुझे बड़ा इस चीज़ में दुख भी हुआ कि एक हमारे चेयरमैन रेलवे अश्विनी लोहानी जी आए थे जो बहुत बढ़िया इंसान थे और बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर उनके अधिकारी वर्ग जो था ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने उनका तक साथ नहीं दिया। तो आप सोचिए जो मजदूर वर्ग है, हम लोगों को किस प्रकार से आगे आना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। उसी कड़ी में यहाँ एक कर्मचारी एकजुट होकर आज हम यहाँ का आनंद विहार शाखा का गठन करेंगे और ये हमारी जो यूनिट है ये आगे काम करेगी। यूनियन संघ आप लोग आज उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन मीटिंग कर रहे, तो इस मीटिंग में और भी कोई नया जुड़े हैं? हाँ, बहुत सारे अभी सभी लोग हैं, रविंदर रावत हैं, आप हैं और उधर, ये सभी लोग जो हैं नए जुड़े हैं। हाँ, क्योंकि अभी देखिए अन्य यूनियन की जब बैठक होती है तो लोगों को वहाँ ज़बरदस्ती भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ लोग ड्यूटी, कईयों ने नाइट करी हुई है, कईयों ने ड्यूटी पर जाना है, कोई किस प्रकार से निकल के आया, और अगर उनके वाला यहाँ सिस्टम होता तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग होते, मगर आज जो यहाँ संख्या है, यहाँ से प्रमुख लोगों के साथ ये लोग निकलेंगे और यहाँ का जो जितना भी यहाँ का स्ट्रेंथ है उन सबके साथ बातचीत करके इस विचार को बढ़ाएंगे और इन मांगों को आगे रखा जाएगा। यदि आप जो प्रमुख मांगे आप कह रहे हैं कि हम मंत्रालय से मांगेंगे वो पूरी नहीं होती, तो आप लोग आगे क्या, आप लोगों का विचार है क्या? नहीं, वो पूरी हो रही है, क्या करके हो रही है ना। देखिए, कर्मचारी को जागरूक करना, मजदूर संगठनों की धार इतनी कुंद हो चुकी है, लोगों का उन संगठनों से विश्वास उठ चुका, उसको जीवित करना इस देश के अंदर। आप देखें ना, आप आज जिस भी चैनल में काम कर रहे हैं, मगर अगर आपकी आइडेंटिटी देखें तो वहाँ आप इम्प्लॉई हैं। इम्प्लॉई मीन्स कि आप वहाँ मजदूर हैं, आप भी हमारी साइड की हैं, ठीक है ना। तो हम अपने श्रम संगठनों को कितना प्रमोट कर रहे हैं, उनके साथ कितना जुड़ रहे हैं। श्रम संगठन जितने मजबूत होंगे उतना ही हित में सब कुछ काम होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक परिवार से कम एक आदमी जो होता है वो तो कमाने वाला होता है। आजकल तो परिवार में दो दो तीन तीन लोग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है देश में वो मजदूरों की है, और मजदूर किस तरफ झुकते हैं, देश के निर्माण में अपना योगदान करते हैं या देश को बर्बाद करने में अपना योगदान करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय आने वाला है। और जैसा कि भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, भारत माता की जय के नारे के साथ, वंदे मातरम के नारे के साथ कार्य करने वाला संगठन है, तो मुझे लगता है भारतीय मूल संस्कृति के चिंतन के साथ कार्य करने वाला संगठन तो वो तो भारत की जड़ों में है। तो इस प्रकार से कर्मचारियों के बीच में वो भाव लाना और उस तरीके से कार्य करना ये बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा, श्याम ठाकुर जी, आगे आपकी और क्या प्लानिंग है? अभी जो हमारा टारगेट रहेगा, हमने पीछे एक जनसंपर्क अभियान किया था, उस जनसंपर्क अभियान में बहुत सारे लोगों ने इच्छा हमारे साथ जुड़ने के लिए करी, जिसका उदाहरण ये है, इस प्रकार से गाजियाबाद, तुगलकाबाद, अलग अलग जगह पर उनको हम लोग अभी जोड़ेंगे, क्योंकि कितने जिलों से ये लोग आए हैं। यह सिर्फ ये आनंद विहार स्टेशन का जो है वहाँ का परिसर के लोग हैं, सिर्फ ये वहाँ की एक शाखा जो है, वहाँ की ब्रांच बने, ये वहाँ के लोग कर्मचारी जो है वो कहाँ कहाँ से आते हैं? ये देखिए, कर्मचारी का निवास तो अलग अलग जगह, कोई सोनीपत से आता है, कोई गाजियाबाद से आता है, मगर जो उनका वर्किंग प्लेस है वो आनंद विहार स्टेशन है। कुछ आनंद विहार स्टेशन पे हैं, कुछ आगे हमारे टेक्नीशियन डिपो हैं, कुछ वहाँ से, तो वो लोग हैं यहाँ पर, उनको आज हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनको कार्यभार देंगे कि इस तरीके से कार्य करना। अलग अलग ब्रांच है स्टेशन, ये स्टेशन का एक ब्रांच बनता है, जो ब्रांच होता है 500-700 लोगों के बीच में एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ से वो लोग 15-20 लोगों को रिप्रेजेंटेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी आप कितने लोगों को जोड़ पाएंगे आगे, क्या उम्मीद लगती है? बहुत, मैं कह रहा हूँ, अभी हम ये जनसंपर्क अभियान में जब हम लोग निकले तो लोग जुड़ने के लिए, लोग जागरूक हो रहे थे, जब उनको हमने विषय बताया, एनपीएस के विषय के ऊपर बताया कि एनपीएस देखिए 2004 के अंदर भारत सरकार
नई न्यू पेंशन स्कीम लाए जिसके अंदर पेंशन को बंद किया कर दिया गया। और हमारे यहाँ जो रेलवे के अंदर मान्यता प्राप्त संगठन है वो बहुत स्ट्रांग है, नेशनल JCM होता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट से कितना जुड़े हुए हैं, तो नेशनल JCM एक भारत सरकार का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर जो मान्यता प्राप्त लोगों के जो संगठन थे उनके पदाधिकारियों ने उस NPS को लागू करने में अपनी सहमति प्रदान करी। आज रेलवे के अंदर बहुत युवा लोग आ रहे हैं, तो जब उनको ये चीज़ की जानकारी मिल रही है कि ऐसे संगठनों ने NPS लागू कराई, तो उनको सच्चाई के साथ जब उनको सारी जानकारी आती है, आजकल गूगल पे सब डाटा मिल जाता है, तो वो सब लोग जो तीसरा फ्रंट है वो उससे जुड़ने के इच्छुक हैं और वो जुड़ रहे हैं। जहाँ निस्वार्थ भाव से कार्य होगा तो सब लोग जुड़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी और आंदोलन के रूप में। कहा आपने, कहा 11 जुलाई को हम लोग धोखा दिवस मनाएंगे, वो भी बता देता हूँ किस क्यों मनाएंगे कि 11 जुलाई को 2016 को हमारे यहाँ जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने स्ट्राइक का वो करा था कि हम लोग 11 जुलाई को स्ट्राइक करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। मगर क्या हुआ कि ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री और सब लोग बड़े चतुर हैं और रहेंगे भी, ये सब लोग रिटायर लोग, उन्होंने इनकी एक कमज़ोरी पकड़ी कि आप लोग रिटायर लोग हो तो आप रेल कर्मचारी की समस्या क्या उठाओगे, आप लोग घर जाओ और जो कर्मचारियां उनमें से नेता बनो। तो ये सब लोग वहां से डर के भाग गए और इन्होंने अपनी हड़ताल को डब्बे में बंद कर दिया और कर्मचारियों के साथ धोखा करा और कर्मचारियों को 2-2, 4-4 लाख रुपए का नुकसान इस कारण हुआ। इसी दिन को हम लोग इस बार 2019 से धोखा दिवस के रूप में मनाएंगे कि इन्होंने कर्मचारियों को धोखा। तो वो हमारा एक बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। मुझे अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष, इसमें आप क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको जल्दी से जल्दी जो है उनकी समस्याओं का समाधान हो और यूनियन का जो हमारे और ऊपर हमारे अधिकारी बैठे हैं उनका आशीर्वाद मिले, उनका सहयोग मिले और हमारा कोई भी कर्मचारी जो हमसे संगठन से जुड़ा हुआ है वो पूरी तरह मतलब सेटिस्फाइड होकर जाए, जिससे हमारे लिए संगठन का रास्ता जो है और मजबूत हो। जय। मैं रविंद्र सिंह रावत, मेरा ये जो पद उपाध्यक्ष का है और ये पूरा मतलब जिम्मेदारी के साथ मुझे दिया गया है और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे भाई लोग हैं, किसी भी समस्या को लेकर हमारे पास आते हैं तो हम उनकी खरा उतरें उनकी मतलब भावना के साथ। हमारे महेंद्र जी, मुझे मेरा नाम महेंद्र कुमार, मैं मुझे सागा सचिव बनाया गया है आनंद विहार से और मैं चाहूँगा कि हमारे साथी एकजुटता से ऐसे खड़े रहें और अपनी यूनियन का अपना विस्तार करें, जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम आगे पूर्ण रूप से उनका सहयोग करें, उनके साथ खड़े हों, यही हमारे। मेरा नाम भीमचंद है, मुझे ब्रांच उपाध्यक्ष बनाया गया है और मैं चाहता हूँ कि हमारी ब्रांच ये आगे बढ़े और यूनियन का सहयोग मिले और ऊपर अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिले। मेरा नाम दीपक रावल, मुझे शहर सहायक सचिव बनाया गया है और सचिव बनाया गया। आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे सर, कुछ बताएंगे? हम अपनी जिम्मेदारियों को, लोगों की समस्याओं को दूर करके, जो भी कर्मचारी हैं वो अपना निसंकोच काम करें, अपने पूरे मतलब बिना डरे काम करें और उनके जो भी ईमानदारी से काम करें और उन्हें कोई समस्या होगी तो उनको दूर करने के लिए हम उनके साथ तत्पर खड़े हैं।
मैं सहायक कैशियर हूँ और आदेश अनुसार जैसे ब्रांच सेक्रेटरी कहेंगे वैसे ही। आपको तो बहुत हाँ मतलब कहेंगे ना बहुत आज जब भी आदेश हाँ तो आदेश दिया गया है बिल्कुल बिल्कुल कैशियर का आदेश लेने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। मैं दिल्ली मंडल मंत्री देवेंद्र छावड़ा इस संगठन में जुड़कर इस ब्रांच के सब व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सारा संगठन सारी ये ब्रांच बड़ी ईमानदारी से बड़ी बखूबी से और आगे बढ़ाएंगे संगठन को और ईमानदारी से काम करते मजदूरों की सेवा में लगें। ये राष्ट्रहित और औद्योगिक और श्रमिक हित की सेवा है। वंदे मातरम वंदे मातरम। आपने तो परिचय नहीं दिया। शिव कुमार सीनियर कमिश्नर आनंद विहार टर्मिनल। मैं सुरेंद्र सिंह चाड़क मुझे संगठन का महामंत्री बनाया हुआ है और संगठन का महामंत्री का दायित्व दिया है इन्होंने। मैं अपनी जितनी जथा शक्ति होगी संगठन के लिए काम करूंगा, अच्छा तरीके से काम करवाएंगे ताकि रेल कर्मचारियों को जितना भी हमसे फ़ायदा मिल सके संगठन से फ़ायदा मिल सके वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। विनोद जी आपको मालूम है सभी एक समान हैं, हम सब लोगों ने मिलकर समस्या का समाधान किया, कुछ अकेले कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ मिलकर एक साथ विषयों पर चर्चा करके योजनाबद्ध रूप में हमारे को अपने जो आगे के जो कदम है वो बढ़ाने पड़ेंगे, जो संघर्ष की नीति है वो बनानी है। और मुझे लगता है कमर्शियल विभाग के लोगों को तो मालूम ही है कि उनको अभी जो जल में जो संघर्ष करना है वो कौन सा, उसको मुझे चाहूँगा फिर भी आप लोग बोले कि कौन सा विषय है जिसके ऊपर संघर्ष करना है। अतिशीघ्र लालवानी जी को मालूम होगा फिक्सेशन का विषय उसके ऊपर बड़ी जल्दी संघर्ष करने वाला है, ठीक है। वो योजना आप लोग सब लोगों के साथ जितना भी अपना दिल्ली डिवीजन का जो कमर्शियल विभाग है, देखिए कमर्शियल विभाग में हम सब लोगों को लेकर चले अपना रिजर्वेशन PCR पार्सल बुकिंग जो भी सब विभाग है हम चाहते हैं वो इसमें करेंगे। साथियों दो विषय आप सब लोगों का संगठन में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं, जो दो विषय हैं वो और मैं आपके साथ रखता हूँ। एक हमारे साथ टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन का आप लोगों ने पिछले समय से हम लोग देख रहे थे, हम लोग उसमें एक रिस्क अनाउंस किया विषय कि इनको रिस्क अनाउंस और हार्डशिप अनाउंस, ये विषय बार बार फेडरेशन की तरफ से चला, तो उसमें हमारे जो टेक्नीशियन स्टाफ है उनके साथ हम लोगों को मिलकर बहुत बड़े एक आंदोलन के रूप में कार्यक्रम कर कमर्शियल विभाग को एक विषय और मिलने वाला है बड़ा जल्दी। सीनियर DCM फिरोजपुर विवेक शर्मा उनके द्वारा कमर्शियल विभाग के लोगों को रिमूवल किया जा रहा है मात्र 30-30, 30-30, 40-40 रुपए के एक्सेस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़े आंदोलन का लेना है आप लोग ये रखें, क्योंकि अगर कहीं वहाँ चिंगारी और कहीं आग लग रही है ऐसी तो हमारे घर तक भी यहाँ आ सकती है, तो इस चीज़ के लिए भी आप सब लोग जागरूक। और तीसरा जो एक विषय है कि 11 जुलाई को हम सब लोग 11 जुलाई को आपको मालूम है कि मानवता प्राप्त संगठनों ने 11 जुलाई 2016 को हड़ताल का कहा था कि चक्का जाम होगा, तो उस विषय को उस दिन को हम धोखा दिवस के रूप में उनका जो चेहरा है ऐसे तो कर्मचारियों के सामने कर्मचारियों को मालूम है मगर उस विषय को हम और प्रचंड रूप से कर्मचारियों के मध्य में रखेंगे, उनको जागरूक इस विषय में करेंगे। तो 11 जुलाई को हम लोग धोखा दिवस के रूप में मनाएंगे कि कैसे इन संगठनों ने कर्मचारियों को धोखा दिया, प्रशासन को धोखा दिया, सरकार को धोखा दिया, मतलब सबको धोखा दिया। तो ये हमारे कुछ आने वाले चुनिंदा जो बड़े कार्यक्रम हैं वो रहने वाले हैं, इसी बात से मैं तो समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप और मैं यहाँ के अब जो शाखा सचिव हैं जिन्होंने आगे के कार्यभार को संभालना डायरेक्शन को देनी है, सब लोगों के साथ मिलकर काम करना, तो वो अपनी योजना क्या होता है मन में। सबसे पहले मैं सहयोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा सहयोग जो है मैं सीताराम ओझा जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने दिन रात अपने ड्यूटी की करते हुए पूरी पूरी रात 12 बार मिलने का
Gracias.